टाइम्स मीडिया। पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली आहार स्पिरुलिना मानव जाति के लिए प्रकृति का बेहतरीन उपहार है। इसमें एंटीबायोटिक तत्व होने से यह मधुमेह, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि को समाप्त करती है। इसमें बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा होने से यह रतौंधी और आंखों की अन्य समस्याओं को दूर करती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व होने से यह रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाती है। एस्प्योर पावर दिव्य टी, आसाम ग्रेस टी, 20% एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। दिव्य टी, आसाम ग्रेस टी। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल चेन प्रेजेंट सैमफोर्ड स्कूल, जगनपुरा रोड, पटना। एडमिशन ओपन फॉर प्री नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12th। Best school for the best education and in Patna with facilities like smart classes, science lab, computer lab, rich library and big playground. For more details, contact 9534098666. श्री परम ज्योति भगवती भगवान पवित्र आरोग्य मुक्ति वरदान की इस 64,000 पूर्णिमा दीक्षा की विशेष प्रक्रिया में मैं आद्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी को नमस्ते। आज की इस प्रक्रिया को परम ज्योति की नामस्मरण करते हुए प्रारंभ करेंगे। अपने दोनों हाथों को हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए, मूल मंत्र का जाप करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। जय बोलो परम ज्योति भगवती भगवान की जय। जय बोलो आरोग्य मुक्ति वरदान प्रदाता 64,000 अनुग्रह दीक्षा प्रदाता परम ज्योति भगवती भगवान की जय। पूर्णिमा दीक्षा की इस विशेष भाग में कल हमने हमारे अंदर के एक गुण को देखा और वो है हम कितने झूठे हैं। हम अंदर कुछ कहते हैं, हम बाहर कुछ जीते हैं। जो ये प्रक्रिया हमने कल शुरू किया था ये जारी रहेगा। आज ये प्रक्रिया आपको और गहराई में आपके अंदर आपके सत्य को आपको दिखाते हुए मन से मुक्ति प्रदान करने में मदद करेगा। हम एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो जेल के अंदर हैं और जेल से बाहर निकलना चाहते हैं। भगवान कहते हैं ये वो जेल है जिसमें ताला ही नहीं है, कुंडी लगाया हुआ ही नहीं है, आप खुद फंसे हुए हैं इसमें। ऐसे इस जेल से बाहर निकलने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बस अपने आप के प्रति जागृत होना है। जैसे आप जागृत हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, तब आप उस जेल से स्वयं बाहर आ सकते हैं। और इसीलिए परम ज्योति भगवती भगवान आज अमा भगवान की कृपा से अमा भगवान के स्वरूप में हम सबको इस ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। हमारे जीवन की हर एक उस घटना में टॉर्च लाइट एक प्रकाश डालते हुए हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि हम देखिए कहाँ भटक रहे हैं। सही रास्ते पे जाने के लिए आज ये आरोग्य मुक्ति वरदान आपके लिए परम ज्योति उपहार में दिए हैं। हमने देखा शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, भावनात्मक रूप में और आध्यात्मिक रूप में इस प्रक्रिया के द्वारा आप आरोग्य को प्राप्त करने वाले हैं। तो ऐसे इस प्रक्रिया में जब हमें आरोग्य प्राप्त करना है तो बस भगवान को बुला लें और भगवान हमारे लिए चमत्कार कर दे, हो सकता है। जहां पर भगवान आपको एक क्वालिटी ह्यूमन बीइंग के रूप में तैयार करना चाहते हैं, एक ऐसे जीवन मुक्त के रूप में तैयार करना चाहते हैं जो उच्च दर्जे का मुक्ता हो,
कुछ ऐसे जीवन मुक्ति की स्थिति में लोग हैं जो अपने आप में उस स्थिति को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव हरेक के जीवन में भी तो मंगलमय रूप में होना है। एक व्यक्ति को अगर अपने जीवन में उस स्थिति को पाना है तो इस प्रकार से पाना है कि उसके आसपास में दूर दूर तक लोग उससे प्रभावित हो जाएं। एक व्यक्ति के भीतर का परिवर्तन उसके आसपास के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करना है। एक व्यक्ति का अनुभव हम बताएंगे। ये अपनी पत्नी के साथ सत्संग में चले जाते हैं, जहाँ पर आरोग्य मुक्ति वरदान का कार्यक्रम उनके क्षेत्र में दासा जी करवा रहे हैं। तो पत्नी कहती है, आइए ना, दो मिनट आप भी बैठ जाइए। नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे बहुत काम है। बहुत ही ज़्यादा कहने पर पत्नी की बात वो मान लेते हैं और प्रोग्राम में जाके बैठ जाते हैं। दो मिनट ही बैठूंगा कहकर वो डेढ़ घंटा बैठ जाते हैं और पूरी प्रक्रिया में वो भाग लेते हैं। इस व्यक्ति की समस्या क्या है? पिछले 4 साल से इनके और इनके बॉस के साथ जो एक बोलते हैं ना, संघर्ष होता रहता है, घर्षण होता रहता है एम्प्लॉय और बॉस के बीच में, वो चल रहा है। और इसी के वजह से इस व्यक्ति का प्रमोशन अटका हुआ है। और इनको पता है ये बॉस जब तक रहेंगे मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। पूरी प्रक्रिया में भाग लिए और वहां से फिर अपने काम के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरे दिन जब वो ऑफिस जाते हैं तो एकदम अजूबा हो जाता है। उनके बॉस जो बिल्कुल इनसे खफा रहते हैं, इनको मानते नहीं हैं, वो इन्हें अपने ऑफिस में बुलाते हैं, अपने केबिन में बुला के कहते हैं, देखिए इस प्रकार का ऑर्डर आया है और आपका नाम प्रमोशन के लिए भेज दिया गया है, तो आपकी इस बार प्रमोशन कंफर्म हो रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। बॉस का ये शुभ वार्ता अपने मुंह से बताना इनके लिए बहुत ही बड़ा एक धक्का था। इनको समझ में ही नहीं आता कि ऐसे हो कैसे सकता है। तो इन्होंने देखा कि उस बॉस के प्रति इनके भीतर इतना सारा क्रोध था, इतनी सारी चिड़चिड़ थी, इतना सारा गुस्सा था कि वो गुस्सा ही इनके और इनके बॉस के बीच में एक दीवार बन के खड़ा हो गया और इनके प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा बन गया। ऐसी कई सारी घटनाएं हम लोगों के जीवन में भी होती हैं। छोटी छोटी बातों पर हमको गुस्सा आ जाता है। घर में माँ बच्चों को कह रही है, बच्चों मस्ती मत करो, देखो पापा आ रहे हैं, पापा गुस्सा आ जाएगा, चलो चलो भागो यहां से। तो आपका व्यवहार इस प्रकार से होता है कि घर वालों को पहले ही पता चलता है कि अब आपका पारा चढ़ने वाला है, गुस्सा तो आपके नाक के ऊपर बैठा ही रहता है। तो इस प्रकार की आज हमारे भीतर की ये एक बहुत ही ज्यादा कष्ट देने वाली, किसी को भी पसंद नहीं, ऐसे एक भाव में हम झांकने जा रहे हैं। आइए इस भाव की गहराई में जाने से पहले कुछ भक्तों का अनुभव देखते हैं। मैं रेणु कुमारी गोस्वामी रानीबंद धैया में रहती हूँ। शनि मंदिर में ही हमारा आरोग्य प्रोग्राम था। पहला प्रोग्राम मैं अम्मा भगवान के चरणों में आई, फर्स्ट प्रोग्राम मेरा वही था। इसके लिए मैं अम्मा भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और अम्मा भगवान से मैं सभी से यही कहूँगी, अम्मा भगवान से जुड़े, जोड़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। और जुड़े तो दिल से जुड़े, जैसे कि मैं जुड़ी, पहली बार ही जुड़ी और पहली बार ही मेरे रोग ऐसे छूमंतर हुए जैसे कि उनके लिए अब मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने का। अब अम्मा भगवान के बारे में बोलना यानी सूरज को आईना दिखाने के बराबर है। इसलिए मैं यही बोलूँगी कि मेरे प्रॉब्लम थे शरीर में, एक साइड में ही पूरे नस में प्रॉब्लम थे, और मैं आई प्रेयर के दौरान, अम्मा ने हमें प्रेयर करवाया और प्रेयर के द्वारा यही बोला गया कि आप अपने रोग के बारे में बताएं, ये आपके डॉक्टर हैं। मैंने अपने रोग के बारे में प्रेयर किया, कुछ मिनटों के बाद सुई जैसा चुभा मेरे पीठ में, फिर कुछ मिनटों के बाद मेरे कमर में चुभा, उसके बाद मेरे पैर में। तो मैं सोची मच्छर काट रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मच्छर यहाँ बहुत है, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उनका कलश का जल लेके गई, कलश का जल ले जाने के बाद उन्होंने बताया था 11 दिन आप पीजिए, पीने के बाद आपको फ़ायदा होगा। मैं अपने श्रद्धा के अनुसार उन्हें 11 दिन पी
और उन्हें अपने घर में सभी को दिया, बताई भी। और कुछ दिनों के बाद ये प्रॉब्लम मेरे ऐसे सॉर्ट आउट हुए कि डॉक्टर भी इतने जल्दी सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। ये मेरा प्रॉब्लम करीब 200 साल पुराना था और एक प्रेयर में अम्मा भगवान की एक प्रेयर में इतना शक्ति है, इतनी अद्भुत इसमें प्रक्रिया है कि मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आप जुड़िए, जुड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या है। नमस्ते अम्मा भगवान शरणम, मैं गायत्री रजवार धनबाद से। मेरा अनुभव था कि मैंने पहली बार जब आरोग्य वर्धन प्रक्रिया में भाग लिया तो मेरा सर दर्द ठीक हो गया। मेरा करीब 7-8 साल से बहुत सर दर्द होता था, धूप में या गर्मी में जब भी मैं जाती थी मुझे बहुत सर दर्द होता था। दासी जी ने जब पहली बार आरोग्य वरदान प्रक्रिया करवाई तो उसमें मैं उसने सबसे पहले उन्होंने चिंतन मनन कराया। उसके बाद जब मैंने कलश पे हाथ रखकर दीक्षा ली तो मेरा कलश घूमने लगा। उसके बाद जब मैंने पादुका में हाथ रख कर दीक्षा ली तो पादुका चली और मेरे सर तक आ गए। उसके बाद मेरे सर से कुछ काला सा निकल गया और उसके बाद से ही ये बीमारी ठीक हो गई। लेकिन ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हुई कि नहीं ये जानने के लिए जब मैं धूप में और 2-3 बार गई तो फिर ये सर दर्द नहीं होता था। तो इसके लिए मैं अम्मा भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद श्री परम ज्योति भगवती भगवान। जय बोलो मुक्ति प्रदाता, ज्ञान प्रदाता, अनुग्रह प्रदाता परम ज्योति भगवती भगवान की जय हो। तो देखा आपने किस प्रकार से परम ज्योति अलग अलग समस्याओं का निवारण इस आरोग्य मुक्ति वरदान की प्रक्रियाओं के द्वारा भक्तों के जीवन में, साधकों के जीवन में कर रहे हैं। और आज ऐसा ही एक अनुग्रह यहाँ घर बैठे बैठे आप अपने जीवन में इस कार्यक्रम के द्वारा ले रहे हैं। आपको बस यहाँ एक ही चीज करना है, अपने आप को देखते रहना है, अपने अंतरंग में खुद को झांक कर देखना है। जितना जितना आप अपने भीतर अपनी गहराई में जाओगे और अपने सत्य को देखते रहोगे उतना उतना आप निखरने लगोगे, उतना उतना आपके भीतर तेज चेहरे पर और अंदर आपके अंदर जागृत होने लगेगा। यहाँ पर परम ज्योति आपको तैयार कर रहे हैं पूर्णिमा दीक्षा में उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए। देखिए, एक किसान को अगर अपनी खेती को बहुत ही अच्छे से प्राप्त करना है, एक अच्छी फसल को हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले वो ज़मीन को अच्छे से हल चलाते हुए ढीला कर देता है, उस रेत को ढीला करता है और उसके बाद में वो बीज डालना शुरू करता है। तो यहाँ होना क्या है, आपको आपके अंदर गहराई में जाकर अपने अंदर की क्या है हमारे अंदर उस सत्य को देखना है। जितना ज़्यादा आप भीतर जाओगे उतना ज़्यादा आप अपने आप के प्रति स्पष्ट हो जाओगे और उस स्पष्टता के साथ परम ज्योति की उस पूर्णिमा दीक्षा की आशीर्वाद को अपने भीतर में ले पाओगे। एक व्यक्ति हैं, इनको कैंसर हुआ है और इस बीमारी के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो वो जो मिल रहा है वो बढ़िया से बढ़िया खाना, शाही खाना खा रहे हैं, चटपटा, स्वादिष्ट, एकदम मीठा, एकदम तेल वाला, बहुत अच्छे से जम के खा रहे हैं। बीमारी के मुताबिक उन्होंने कोई जांच नहीं करवाई है, कोई अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं, दवाइयां नहीं खा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आराम से अपने जीवन को जी रहे हैं। अब मुझे बताइए, ऐसे इस व्यक्ति के साथ आगे जाके होगा क्या? उसकी लंबी आयु जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने सही उपचार किया ही नहीं कुछ भी पता ना होने के कारण। आज यहाँ बैठे हुए हम सभी उस कैंसर पेशेंट के जैसे हैं, अंदर इतना बड़ा रोग है और हम अपने ही बारे में जानते नहीं हैं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। जब तक आप अपने अंदर झांक कर देखोगे नहीं और इस बीमारी के बारे में पहचानोगे नहीं तब तक परम ज्योति से इसका इलाज आप हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने भीतर अपनी मन की गहराई में झांकना जरूरी है। कितना क्रोध आता है हमें, कैसी छोटी छोटी बात पर हम उखड़ जाते हैं, नाराज होते हैं, दो दो दिन तक हम बात नहीं करते हैं किसी से। मुझे बताइए किसको गुस्सा पसंद है? किसी को भी नहीं।
जब भी हम हमारे कार्यक्रम में पूछते हैं कितने लोगों को गुस्सा आता है, तो ऑलमोस्ट हॉल में जितने लोग बैठे हैं वो सभी लोग अपना हाथ उठाते कि हमें आता है, और पूछने पर ये भी वो सहमति दिखाते हैं कि हमें गुस्सा चाहिए नहीं लेकिन आ जाता है। क्यों आ रहा है गुस्सा? किसके प्रति है ये गुस्सा? आज इस गुस्से के वजह से हमारे जीवन में कितना नुकसान हो रहा है, कभी आपने चिंतन किया? इस गुस्से की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं, इस गुस्से की वजह से आपके जीवन में सुनहरे अवसरों को आप खो रहे हैं, इस गुस्से की वजह से आप अपने आप को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। किसी में क्या ये बात बात पे गुस्सा करता हूँ, आप जानते हैं ये गलत है लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने आप के ऊपर भी गुस्सा आने लगता है और इसके परिणाम आगे जाकर बहुत खराब होते हैं। गुस्सा दबाने से आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर प्रकार से अनारोग्य हो रही है, और गुस्सा बाहर व्यक्त करने से हमारे जीवन में अन्य प्रकार के संकट आ रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? देखो आप कितने गुस्से वाले हैं और किस चीज़ के ऊपर अपने आप में इस गुस्से को पकड़ के बैठे हो। गुस्सा कल या परसों का है या और कुछ पुरानी घटना में से बाहर आ रहा है, यही आपको देखना है। इस गुस्से की जड़ में आपको जाना है कि कहाँ से ये गुस्सा मेरे अंदर इतना ठूस ठूस के भरा है। बचपन में जब हम बहुत छोटे थे, माने पिटाई किया, स्कूल में पिटाई हुआ, किसी ने आपके साथ अन्याय किया, कहाँ से ये हुआ शुरुआत आपके साथ इतना ज़्यादा? आँख बंद करेंगे और भगवान भगवती से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर के इस एक नकारात्मक अवगुण को आज आपको हमें सत्य रूप में दिखाना है। भगवान क्यों मेरे अंदर इतना गुस्सा है, कब से ये गुस्सा है और कैसे मेरे जीवन में विनाश कर रहा है? हम इससे बाहर आना चाहते हैं, हमें इससे सचेत कीजिए प्रभु। परम ज्योति से मन ही मन में प्रार्थना कीजिए, अम्मा भगवान को अपने हृदय में स्मरण करते हुए इस प्रक्रिया में भाग लीजिए। आंखें बंद रखेंगे,
शरीर को आरामदायक एक आसन में रखेंगे और अपने मन की गहराई में चले जाएंगे। याद कीजिए बचपन से लेकर की उन घटनाओं को जहां पर आपके साथ ये गुस्सा नाम की चीज अपने भीतर जागृत होना शुरू हुआ। कैसे आपने लोगों पर गुस्सा दिखाया, कैसे इस गुस्से के वजह से आपके साथ गलत हुआ, आपने सुनहरे अवसरों को खोया और आज इस गुस्से के वजह से आप अपने आप को नफरत करते हैं। गुस्सा दिलाने वाले ही आप लोगों को मिलते हैं। चिंतन कीजिए। अपने अंदर की जब इस कड़वे सत्य को आप देख रहे हैं, अपने अंदर उस गुस्से को आप जब महसूस कर रहे हैं, तो परम ज्योति को प्रार्थना कीजिए कि उनकी कृपा आशीर्वाद आपको इस अनुभव से एक प्रेम और आनंद के अनुभव में ले जाने के लिए मदद करना है। पूर्णिमा दीक्षा के वक्त जहाँ कहीं पर भी आप अब हैं, एक तो शवासन में लेट जाइए या फिर आरामदायक आसन में पीठ को रिलैक्स करते हुए बैठ जाइए और परम ज्योति और अम्मा भगवान को याद करते हुए उनकी आशीर्वाद मांगिए। हमें मुक्ति दीजिए प्रभु।
धीरे से आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पे आराम से बैठ जाएंगे। जय बोलो परम ज्योति भगवती भगवान की जय हो। जय बोलो मन शांति प्रदाता परम ज्योति श्री भगवती भगवान की जय हो। अपने अंदर के इस कड़वे सत्य को देखने के बाद शायद आपको बहुत हल्का लग रहा होगा। आज कहाँ से ये गुस्सा उत्पन्न हुआ है, कैसे ये आपके जीवन में नुकसान दे रहा है, कई सारे राज आप ही के अंदर छुपे थे और आज आपने जाने हैं। आपके साथ जो जो भी अनुभव हो रहे हैं हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। हमसे संपर्क करते हुए आप अपनी इस प्रक्रिया में और तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। परम ज्योति के कृपा आपके ऊपर और अधिक होना है, इसलिए अब आपको आगे क्या करना है ये हम आपको ज़रूर मार्गदर्शन करेंगे। अब प्रक्रिया ऐसे ही जारी रहेगी। आज रात सोने से पहले ज़रूर परम ज्योति का ध्यान करेंगे और अपने अंदर इस चलने वाली नकारात्मक भावना की आप बार बार मंथन करते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी समय पे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते। India's fastest growing school chain presents Samford School, Jaganpura Road, Patna. Admission open for pre-nursery to standard 12th. Best school for the best education and in Patna with facilities like smart classes, science lab, computer lab, rich library and big playground. For more details, contact 9534098666. पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली आहार स्पिरुलिना मानव जाति के लिए प्रकृति का बेहतरीन उपहार है। इसमें एंटीबायोटिक तत्व होने से यह मधुमेह, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि को समाप्त करती है। इसमें बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा होने से यह रतौंधी और आंखों की अन्य समस्याओं को दूर करती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व होने से यह रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाती है। एस्प्योर पावर दिव्य टी, आसाम ग्रेस टी, 20% एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। दिव्य टी, आसाम ग्रेस टी। द टाइम्स मीडिया।